देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना दावत इश्क है तो देखते हैं मैंने क्या क्या बनाया है, फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी रेसिपी। तो शुरू करते हैं। ये है कबाब, ठीक है। ये है कबाब सीख वाले विद ग्रेवी के साथ में। देखिए कितने लजीज हैं, देखिए कितने लजीज हैं। ये हम इसमें डालते हैं हरा धनिया। दूसरी डिश है बिरयानी। देखिए बिरयानी, ये देखिए इसकी रेसिपी मैंने आपको दे रखी है। और तीसरी डिश है ये दही वाले कबाब, ठीक है। तो ये मैंने अभी इसमें गरम किए हैं कबाब। देखिए इसमें मक्खन डाली है मैंने, और ये रही दही। इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच चाट मसाला, और तो एक चौथाई चम्मच मैंने इसमें डाला है काला नमक। अब इसको मैं फेंटती हूँ। और ये इसमें डालती हूँ ऐसे, ये दही वाले कबाब जो बाज़ार में रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना, ये वही सब हैं। तो ये देखिए कितने शानदार हो गए हैं ये कबाब, मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये दो तीन डिशें बनाई हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए कितना कितना सॉफ्ट है ये कबाब, देखिए कैसे टूट रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, आ जाइए और खाइए, मेरे खाने को एंजॉय कीजिए। तो ये सब, ये दोनों डिशें मैं आज आपको बता रही हूँ इसकी रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आधी किलो चिकन, ठीक है। ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में, एक बार और करेंगे। ये आधी किलो चिकन है, और ये इसमें डालनी है एक प्याज है, ये मैंने रफली चॉप की है। अदरक एक इंच का टुकड़ा, लहसुन की कलियाँ 8 से 10, 5-6 हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब ग्राइंड करेंगे हम एक साथ। और इसमें कुछ डालेंगे मसाले, ठीक है। ये है गरम मसाला आधा चम्मच, ये है टिक्का मसाला एक चम्मच, यह है ब्लैक पेपर, काली मिर्च आधा चम्मच, और यह है धनिया पाउडर एक चम्मच। आप इन मसालों को बढ़ा घटा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप तेज़ खाते हैं तो इसे डबल डबल कर दीजिए। एक चम्मच नमक इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसको हम दोबारा से ग्राइंड करेंगे। अभी इसमें और सामान जाएगा, यह है बटर। मैं इसमें बटर डाल रही हूँ, ये आधा बटर है, हाफ क्वार्टर बटर है। अब मैं इसमें ये सारा चिकन मिला दूंगी, और इसको एक बार फिर ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए सब में। तो ये है, मैंने स्टिक ली है, ये मेरे पास लोहे की स्टिकें हैं, चार हैं ये। इसको मैंने धागे से लपेट दिया है, ये देखिए चार हैं ही, लोहे की सीखे बोलते हैं इसको, स्टिक बोलते हैं। आप टूथपिक में ले लीजिए, आप पेंसिल भी ले सकते हैं, पेंसिल में पे इसको बना लीजिए ऐसे रोल करके। ये देखिए मैंने सब मैश कर लिया है, इसको अच्छे से मिला लिया है सब। और ये इस पे ये मैं फॉइल पेपर चढ़ा रही हूँ ताकि आसानी से इस पे से उतर जाए कबाब। आप हाथ से चाहें तो ये हाथ से भी बन जाते हैं नॉर्मली, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको बना के दिखा रही हूँ, आप हाथ से भी चाहें तो हाथ से बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे रोल करते रहिए इसको अच्छे से। ये इसमें बटर डाला है तो अच्छी तरह से मतलब बन जाएंगे, बहुत आराम से बनेंगे। बहुत टेस्टी डिश होती है कबाब, घर में बना सकते हैं। बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, और बाज़ार में हर चीज़ का टाइम होता है, बिना टाइम के कुछ नहीं मिलता। घर में कभी भी कुछ भी बना के खाइए, फ्रिज में रख सकते हैं आप इन्हें बनाकर, आप रेफ्रिजरेटर में कंटेनर में बंद करके रख दीजिए, जब आपको तलने हो आप तल के खाइए। ये देखिए
कितने सॉफ्ट हो रहे हैं ये देखिए, मैंने सभी बना लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करते हैं। ठीक है, मैंने इसमें ज़्यादा तेल नहीं डाला क्योंकि इसमें मैंने मक्खन डाला हुआ है, तो इसलिए अब देखिए बस फ्राई हो रहे हैं, कितने अच्छे से सिक रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। मैं आपको दो तरह से बना कर दिखाऊँगी, एक दही वाले कबाब और एक ग्रेवी वाले, ये दो डिशें बनाऊँगी मैं आपको और बहुत ईजी बन जाते हैं ये। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए, ये देखिए लहसुन लिया है मैंने, अदरक लिया है, टमाटर, प्याज, इन सबको मैं पहले फ्राई करूँगी थोड़ा सा, इसे पकाऊँगी और फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं तेल में और फिर पानी में मिलाएंगे इसको थोड़ा सा। ये ग्रेवी के लिए है, ग्रेवी बनेगी इसकी, बहुत टेस्टी ग्रेवी होती है ये वाली। आप चाहें तो इसको बिना फ्राई करे भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी, जब ये गल जाएंगे फिर मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए कबाब मेरे कितने अच्छे से सिक गए हैं, सब तैयार हो गए हैं, आधे किलो गोश्त में से कितने सारे कबाब बन गए हैं। इनमें से दो रेसिपी बनेगी, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये एकदम ऐसे ही टूट गया है, दो हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक हाथ से टूट गया। बहुत टेस्टी है, यमी। तो ये देखिए ये प्योरी बना ली है मैंने सब की, और इसमें मसाले कुछ जाएंगे, गरम मसाला, हरा धनिया, साबुत धनिया, काली मिर्च, आधा टिक्का मसाला, आधा चम्मच टिक्का मसाला, आधा चम्मच हल्दी, ये सब मैं इसी में मिला दूंगी एक साथ। अभी मैंने तेल चढ़ा दिया है, इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डालकर इसमें बस मैं ये फ़ौरन डाल दूंगी, क्योंकि मैंने इसको पकाया है सारी ग्रेवी को पहले ही, टमाटर, प्याज वगैरह सब बनाई है। तो अब देखिए कितने टेस्टी है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें खसखस पाउडर एक चम्मच, आपके पास हो तो डालिए नहीं तो नहीं। ये देखिए तैयार हो गई हैं सारी डिशें, लाजवाब खाने में टेस्टी। बनाइए मेरी तरीके से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।